गर्मी का मौसम है और ठंडा ठंडा आइसक्रीम बनाने का मन किया, तो आज मैं बनाई हूँ मैंगो बाइट पॉप्सिकल्स। वो बहुत ही बच्चों को पसंद है। ये बहुत इजी है दोस्तों, बस थोड़े से स्टेप्स फॉलो करना है और मैंगो बाइट पॉप्सिकल्स बन के तैयार हो जाता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ मोना, स्वागत करती हूँ आपको स्वादी लोकी में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से हैं, मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। ये ठंडा ठंडा आइसक्रीम बनाने से पहले मेरे नए दोस्तों को ये बोलना चाहूँगी जो मेरे चैनल को आज पहली बार विजिट कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन दबाते ही आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं ये ठंडा और बहुत ही टेस्टी बहुत ही मीठा पेप्सिकल्स। उसके लिए मैं यहाँ पे मैंगो बाइट्स ली हूँ। हाँ दोस्तों, यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स में हम मैंगो बाइट्स 40 नंबर्स लिए हैं। उसका जो रैपर निकाल के इसको एक ग्राइंडर के जार में डालेंगे। यहाँ पे मेरी छोटी बेटी और मेरे हस्बैंड दोनों भी हेल्प कर रहे हैं एक एक रैपर निकाल के मैंगो बाइट्स को ग्राइंडर के जार में डालने के लिए। यहाँ पे बस 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए ये हमारे मैंगो बाइट्स पेप्सिकल्स बनाने के लिए। बस यहाँ पे 3 इंग्रेडिएंट्स में आपको पानी लेना है, मैंगो बाइट्स का कैंडी लेना है और शुगर लेना है। यहाँ पे मैं 3 से 4 बड़े चम्मच शुगर ली हूँ। जो हम कैंडी लिए हैं उसमें शुगर है, इसीलिए हम बहुत ही कम शुगर डालेंगे। आपको अगर ज़्यादा शुगर पसंद है तो ज़्यादा डालिए, नहीं तो कम शुगर डालना है तो आप कम शुगर भी डाल सकते हैं। हमको बस इसको ग्राइंड कर देना है, ग्राइंड बहुत ही फाइन पेस्ट होगा ऐसे। और यहाँ पे मैं 3 से 4 बड़े कप्स पानी डाल रही हूँ। यहाँ पे मैं 3 कप ही पानी लिए हूँ और जो ग्राइंड किए हैं हम लोग उसको साथ में पानी के साथ मिला देंगे। यहाँ पे हम जो कैंडी लिए थे उसको हम ग्राइंड इसलिए करते हैं क्योंकि पानी के साथ अगर हम मिलाएं तो इजीली ये मिक्स हो जाए। अगर आप कैंडी को नहीं ग्राइंड करके मिलाएंगे तो बहुत टाइम लेगा और मिक्स जल्दी से नहीं होगा, इसलिए आप अगर ग्राइंड कर देंगे आराम से वो मिक्स हो जाएगा। हम पानी के साथ बहुत अच्छी तरह से इसको मिला लिए हैं। अभी हम आइसक्रीम के मोल्ड लेंगे जिसमें हम एक एक करके इस पानी को फिलअप करेंगे और इसको हम रेफ्रिजरेट करेंगे पूरे 1 नाइट या फिर आप 7 से 8 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट कर लीजिए। उसको डीप फ्रीज में रेफ्रिजरेट करते हैं आइसक्रीम जिसमें बनता है, और इसको आप 7 से 8 घंटा या फिर फुल नाइट के लिए रेफ्रिजरेट करेंगे तो आइसक्रीम बन के रेडी हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, मैं सारे मोल्ड में इसका जो पानी है वो भर दे रही हूँ। ये बहुत इजी प्रोसेस है आइसक्रीम बनाने के लिए। अगर आप गर्मी के मौसम में कोई भी पार्टी सडनली प्लान कर रहे हैं और आपको आइसक्रीम बनाना हो तो ये आप रात में ही बना के रेडी करके रेफ्रिजरेट करके नेक्स्ट डे को आप पार्टी में आइसक्रीम को खा सकते हैं। ये मोल्ड में पूरा मैं इसका शरबत भर दी हूँ और मैं और एक मोल्ड यूज़ करूँगी इसका शरबत भरने के लिए, क्योंकि थोड़े से हमारा शरबत बाकी रह गया है, उसको भी हम और एक मोल्ड यूज़ करके आइसक्रीम बना के तैयार कर देंगे। ये आइसक्रीम को मैं थोड़े से डिफरेंट बनाना चाहती हूँ। आपके पास अगर डेसिकेटेड कोकोनट है तो उसको लीजिए, नहीं तो आप कोकोनट पाउडर यूज़ कर सकते हैं, उसको थोड़े से ऊपर गार्निश कर लीजिए। इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग आएगा, प्लेन भी बना सकते हैं आप और नहीं तो गार्निश कर सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़े से टूटी फ्रूटी लिए हूँ, उसको भी डाल दे रही हूँ ताकि आप जब भी आइसक्रीम खाए तो इसमें आपका फ्लेवर जो है अलग से आए। हमारा सारा आइसक्रीम बन के तैयार हो गया, मोल्ड में रेडी हो गया है। अभी हम इसको बंद कर देंगे, एक एक करके हम उसका कैप लगा देंगे। मेरी बेटी भी मुझे हेल्प कर रही है इसका कैप लगाने के लिए। हम सारे कैप लगा दिए हैं। अभी इसको मैं 1 नाइट के लिए रेफ्रिजरेट कर दी थी। देखिए हमारे आइसक्रीम बन के तैयार हो चुका है। अभी मैं एक ग्लास ऑफ वाटर लूँगी और जो आइसक्रीम बन गया है उसको जो मोल्ड को मैं ग्लास ऑफ वाटर में डालूँगी ताकि थोड़े से हल्के से वो बाहर से नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए तो ये आराम से निकल के बाहर आ जाता है। देखिए अभी ये आइसक्रीम बाहर आ गया है।
बहुत ही टेस्टी दिख रहा है। वाओ, पूरा बाहर जैसे आप पेप्सी कोला खाते हैं वैसे ही दिख रहा है। अभी आप बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बाहर का आइसक्रीम खाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे भी वैसे आसान तरीके से बाहर जैसे आइसक्रीम बना के खा सकते हैं। ये देखिए और एक मोड है, इसका भी मैं आइसक्रीम निकाल के बाहर रखी हूँ और अभी हम इसको झटपट खाने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी आइसक्रीम की रेसिपी कैसी लगी आपका कमेंट मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, बेल आइकन दबाते ही आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। फिर आऊँगी और एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ। नमस्ते।